तेलंगाना में एक प्रोग्राम के दौरान ओवैसी ने कहा है कि एक दिन एक इस देश की बच्ची प्रधानमंत्री हिजाब पहनकर बैठेगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी का कहना जो है पागलपन है, पागलखाने में जल्दी से उनको एडमिट कर देना चाहिए। आगरा में और बरेली में हमारे पास दो पागलखाने हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ पागलखाने में कुछ दिन इलाज कराएं। वो मुंगेरी लाल के सपने जैसा हसीन सपना देख रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये सनातन धर्म है, आदिकाल से चला रहा है, ये लोग पंथ के लोग हैं, ये लोग जिहादी जो हैं, ये राक्षस वंश से हैं, क्योंकि ये जो हिजाब आया है सुपड़ खा के नाक कान काटे गए थे लक्ष्मण जी ने, तब से वो रेगिस्तान में चली गई थी और रेगिस्तान से ये हिजाब आया है। इनको ज्ञान नहीं है हिजाब क्यों पहना जाता है, ये क्योंकि उन्होंने नाक कान ढकने के लिए सुपड़ खां ने हिजाब पहना था। अब ये दैत्यों के वंशज हैं, गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने मक्का मदीना में शिवलिंग की स्थापना की थी, ये उनके वंशज हैं। इसलिए इनकी सोच जो है राक्षस प्रवृत्ति वाली सोच है। ये इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सत्य हो नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म आदिकाल से है, लाखों वर्ष पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना। ये 1450 साल पहले हैं, 2250 साल पहले कृष्णों का धर्म है, पंथ आया है, ये पंथ है, धर्म नहीं है, धर्म केवल एक है विश्वास सनातन धर्म। इसलिए मेरा कहना है कि ओवैसी को तत्काल बरेली या आगरा में पागलखाने में एडमिट करना चाहिए। और ये इनको ज्ञान नहीं है कि ये देवी देवताओं का देश है, सनातन धर्म है। यहाँ हिजाब ये लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लड़कियों को छुपा के रखना। और जैसे सानिया मिर्जा जैसे लड़की, सानिया मिर्जा ने जैसे नाम विश्व में किया है, हमारी इच्छा ये है कि सानिया मिर्जा जैसी सब बहन बेटी हमारी बने, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी भावना है, देश तरक्की करे, ये सोच है हमारा। सनातन धर्म देवी देवताओं का देश है, हम बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, दुर्गा का रूप मानते हैं, लेकिन ये को केवल वस्तु मानते हैं, उस महिला को बच्चा करने वाली फैक्ट्री मानते हैं, बच्चा प्रोडक्शन फैक्ट्री मानते हैं। इसलिए इनका संतुलन बिगड़ गया है। ये कदापि ये न सोचें कि हिंदुस्तान में तालिबानी सोच के लोग कामयाब होंगे, ये कभी नहीं हो पाएंगे। मैं आपको सत्य भी ये बताना चाहता हूं कि सत्य से ये धर्म चला हुआ है, सनातन धर्म। और ये जो अधर्मी लोग, ये इन्होंने केवल कुछ वर्षों पहले पंथ का निर्माण कर लिया। सपा नेत्री महानगर अध्यक्ष है हमारे यहाँ अलीगढ़ का नाम है रुबीला खानम, उन्होंने कहा है कि हमारे हिजाब पर कोई हाथ डालेगा तो हम उसके हाथ काट देंगे। रुबीना को मैं यही सलाह दूंगा, उसको भी पागल खाने में एडमिट करें। ये हिंदुस्तान है और बहुसंख्यकों के आधारित देश चलेगा, ना कि इनके कहने से देश चलेगा। वो हाथ काटने की बात कर रही हैं, ये किसी को हाथ भी टच कर देंगे तो ये यहाँ का कानून उनको फांसी की सजा देगा, क्योंकि ये देश ऐसा देश है, बहुसंख्यकों का देश है। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदुओं के अनुसार नहीं चलोगे तो देश में रह नहीं पाओगे, तुम सब कन्वर्टेड मुसलमान हो। ये देश के जो 99% कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हिंदुओं से माइग्रेट हुए हैं ये लोग उन औरंगजेब के टाइम, और ये सब लालच में या दुखी प्राणी जो थे, जो लालच में जो हुए वो अपने आप को धर्म परिवर्तन किया, इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। लेकिन इस्लाम में भी लोग खुश नहीं हैं, खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे रखा जाता है कैद करके जैसे किसी जेल में। हिंदुस्तान में देवी देवताओं का देश, हम लोग कितने सम्मान से सीता राम, राम सीता नहीं कहा जाता, राधे श्याम राधे, तो हमारे यहाँ देवी का सम्मान ज़्यादा है। इसलिए मैं उन अध्यक्ष महोदय से ये कहूँगा कि पागलखाने में अपना इलाज कराओ, हिंदुस्तान है और गलतफहमी के शिकार न बने, ये पाकिस्तान नहीं है।